नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आनंद, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के चहेते और बेहतरीन कलाकारों में से एक थे। सुशांत ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अभिनेता होने के साथ साथ वो एक अच्छे डांसर भी थे। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम के सिंह है, जो कि एक सरकारी अफसर रह चुके हैं, और उनकी माताजी का नाम किसी को भी नहीं पता, और 2002 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सुशांत की चार बहनें हैं, जिसमें से उनकी बड़ी बहन मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सुशांत के स्कूल की पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस हाई स्कूल में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीच में ही छोड़कर एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। सुशांत के फिल्मी सफर पर नजर डालें तो उनका सफर बेहद संघर्ष भरा था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान डांस में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने डांस सीखने का फैसला किया, जिसमें उनका परिवार उनके खिलाफ था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और श्यामक डावर के डांस ग्रुप का हिस्सा बन गए। श्यामक उनकी कला और लगन से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें 2006 में कॉमनवेल्थ खेलों में डांस करने का मौका दिया। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्म किया, जिसको मशहूर कोरियोग्राफर एसले लोम्बो ने प्रशिक्षित किया था। इसके बाद वो थिएटर का भी हिस्सा रहे, और शायद यही कारण है कि वो एक सफल अभिनेता बनकर सामने आए। सुशांत ने मशहूर एक्शन डायरेक्टर अलन अमीन के साथ मार्शल आर्ट्स भी सीखा था। उन्हें टीवी में उनका पहला ब्रेक स्टार प्लस के शो किस देश में है मेरा दिल से मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल मानव का किरदार निभाया और सबके चहेते बन गए। सुशांत सिंह राजपूत जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 जैसे बड़े डांसिंग शोज में भी प्रतिभागी रहे, और झलक दिखला जा 4 के दौरान उन्हें मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर का टाइटल भी मिल चुका था। एक समय था जब उनके साथ अभिनेत्रियां काम तक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से थे और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिल्म कायपोचे में लीड एक्टर के तौर पर वो नजर आए और उनके अभिनय की तारीफ भी हुई थी। उसके बाद वो शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे थे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का किरदार निभाकर बटोरी थी। ये सुशांत के करियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। सुशांत इसके अलावा फिल्म सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके थे। उनकी आखिरी फिल्म केदारनाथ थी, जिसमें वो सारा अली खान के साथ दिखे थे, और सबसे आखिर में वो नेटफ्लिक्स की ड्राइव फिल्म में दिखे थे। सुशांत की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो वो सीरियल पवित्र रिश्ता में रह चुकी अपनी सह कलाकार अंकिता लोखंडे के साथ संबंध में थे। सुशांत के इस सफर के दौरान उनका नाम उनकी सह कलाकार अंकिता लोखंडे के साथ जोड़ा गया था। दोनों काफी लंबे समय तक संबंध में रहे। खबरों की माने तो एक साथ वो लिव इन में रह रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच ऐसा गहरा रिश्ता था कि अगर किसी भी फिल्म में सुशांत का किसिंग सीन होता था तो सुशांत ये बात पहले अंकिता को बताते थे और उनकी हामी होने के बाद ही वो ऐसे सीन करते थे। अंकिता और सुशांत के इस खूबसूरत रिश्ते को खत्म करने के पीछे अदाकारा कीर्ति सैनन को बताया जाता है। एक फिल्म करने के दौरान दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण अंकिता और सुशांत अलग हो गए थे। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और उनके नौकर ने पुलिस को आत्महत्या की खबर दी थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। वो अपने मुंबई स्थित अपने घर में अकेले रह रहे थे। सुशांत सिंह की आत्महत्या से कुछ समय पहले उनकी मैनेजर दिशा सलियन ने भी मुंबई के 12वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। दोनों की आत्महत्या के पीछे अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है। सुशांत सिंह राजपूत एक लाजवाब एक्टर थे। अपनी पहली ही फिल्म में सबकी नजर में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का भी जीवन आसान नहीं रहा। माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों का अपना करियर चुना और आज इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम स्थापित कर चुके थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, ये वीडियो काम की बात की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर बद नमस्कार।